होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के अटल खेल प्रसाल खेल मैदान की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन और जिम्मेदारों द्वारा खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान का रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गांव सहित नगरीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने बताया कि खेल मैदान में ग्रामीण स्तर के साथ प्रदेश स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इसके साथ ही इन दिनों भी सुबह से शाम तक खिलाड़ियों के साथ दर्शकों का हुजूम लगा रहता था। इसके बाद भी खेल मैदान का गेट टूटा पड़ा है, जिसके चलते शाम ढलते ही यहाँ शराबियों का हुजूम जमा हो जाता है, जो कि शराब पीने के बाद कांच की बोतल मैदान पर ही तोड़ देते हैं, जिससे मैदान पर कांच ही कांच पड़े रहते हैं, जिससे खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। वही खेल मैदान पर पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैदान बनाया गया था तब प्याऊ भी बनाया गया था, पर समय बीतने के साथ साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा प्याऊ भी तोड़ दिया गया, जिससे खिलाड़ियों के साथ दर्शकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ियों का कहना था कि इस मैदान में पुलिस खेल और आर्मी की तैयारियां की जा रही हैं। खेल मैदान और उसके आसपास के मैदान को साफ और स्वच्छ करने की मांग प्रशासन से की है। नमन भरद्वाज। क्या कमी और क्या होना चाहिए यहाँ ग्राउंड पे? साफ सफाई होना चाहिए, कांच की बोतल पूरी पड़ी है, दारू पीने वाले इधर ही दारू पी रहा है, पानी की होना चाहिए व्यवस्था, कपड़े अपड़े बदलने की। दशेंद्र शर्मा। अच्छा, अभी पढ़ रहा है? हो गया 11th क्लास में। तो ग्राउंड पे क्या कमी है यहाँ पे? ग्राउंड पर लोग आते हैं डेली बाइक से और सफाई नहीं रहती है। दारू पीने वाले दारू पी रहा है? हाँ, दारू वाले आते हैं डेली, यहीं पर बोतल फेंक देते हैं, यहीं खोल के चले आते हैं।